हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आटे और आलू से एक टेस्टी नाश्ता बनाना बताऊंगी। इस नाश्ते को आप लंच बॉक्स, टिफिन किसी में भी रख के खा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आटे का हेल्थी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लेते हैं और दही ले लेते हैं। हमने जितना आटा लिया है उससे हम थोड़ा सा कम दही लेते हैं और इन्हें एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और इन्हें हमें मिक्स करना होता है। हम इसे मिक्स करने के लिए हैंड एग बीटर जो होता है उसकी मदद लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल स्पून से भी इन्हें मिक्स कर दे सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालते हुए इसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे इसका बैटर जो है बना के तैयार कर लेते हैं। ना ज़्यादा गाढ़ा रखना होता है, ना बहुत ज़्यादा पतला करना होता है। ये अभी आप देखेंगे इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना के हम तैयार कर लेते हैं। और इसे स्मूथ पेस्ट इसका बनने के बाद ये हमारा हो गया। इसे हम ढक कर साइड से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसे हटा कर देखेंगे। ये हमारा बिल्कुल बैटर अच्छे से सेट हो गया। इसे एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक आलू लेते हैं जिसे हमने अच्छे से धोकर छील कर रखा है, उसे कद्दूकस कर लेते हैं। हमने ये कच्चा आलू लिया है, हमें पक्का हुआ आलू नहीं लेना होता, कच्चा आलू हम लेते हैं। और ये वैसे आलू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप हेल्दी चीला और बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घिया भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और इसे इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पून की मदद से। अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालते हैं। चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत अलग बनता है और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा, वो कलर बहुत अच्छा आ जाता है। कट की हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और कद्दूकस की हुई अदरक इसमें हम डाल देते हैं। इन सबसे टेस्ट बहुत अच्छा बन के आता है चिली का। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं इसमें हम, और धनिया पत्ती इसमें हम डाल देते हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है घर में तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चलाते हैं स्पून की मदद से सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लेते हैं और अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको हल्दी पाउडर कम लग रही है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं इसके कलर के लिए। आप येलो कलर भी इसमें डाल सकते हैं अगर कलर के लिए आप डालना चाहते हैं तो, लेकिन आपका हल्दी पाउडर से कितना अच्छा कलर आ जाता है आप देख सकते हैं। अब हम एक तवा गैस पर रखते हैं, उसे गर्म होने देते हैं, उसमें हल्का सा ऑयल डालते हैं और फिर उसे एक नैपकिन की मदद से, टिश्यू की मदद से, मतलब चारों तरफ फैलाते हुए इसे हल्का पोंछ लेते हैं, मतलब हमें ज़्यादा नहीं रखना होता है। और उस पर ये जो हमने बैटर तैयार किया है आटे आलू के छीले का, उसे अच्छे से हम डालते हुए, एक स्पून डालते हुए इसे चारों तरफ गोल गोल पतला पतला फैला लेते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने फैला के तैयार किया है। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए, हल्का साइड साइड से ऑयल लगाते हुए इसे सेकते हैं। पहले हम इसे एक साइड से सिकने देते हैं अच्छे से, और जैसे ही आपको लगे कि हल्का हल्का, देखिए ऊपर से हमारा ये सिक चुका है, तो इसे हम उठा के देखते हैं, हिला के देखते हैं, ये हमारा अपने आप ही अलग होने लगेगा। तो इसे अब हम पलट देते हैं और फिर हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। दोनों तरफ से पलट पलट के सेक कर गोल्डन ब्राउन होते हैं, मतलब इसे अच्छे से सेक लेते हैं। और इस तरीके से हम अपने आटे आलू का चीला जो है बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी बनके तैयार हो जाता है और ये नुकसान भी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में सिकता है और आटा है वो इतना नुकसान नहीं करता है। और आप और फायदे के लिए बनाना चाहते हो तो आप उसमें लौकी डाल सकते हैं आलू की बजाय, नहीं तो आलू ये सब बच्चे वगैरह सब पसंद करते हैं, तो इसलिए आटा आलू का चीला ये हमारा बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये नाश्ता आपको पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।